हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस संडे स्पेशल वीडियो में। बच्चों, वैसे तो मैं कई समस्याओं को झेल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और पिछला बार मैंने बताया था कि मेरा मोबाइल के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो कल जैसे कि एक स्टूडेंट है 5th क्लास की, वो कॉल कर रही थी मुझे व्हाट्सअप से, लेकिन मैं उसका कॉल रिसीव नहीं कर सका। अब पता नहीं, अब कोई भी बच्चा अगर कॉल कर रहा है और मैं उस समय नहीं उठाता हूँ तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि कॉल आ रहा था और मैं उसमें कॉल सिर्फ रिंगटोन सुनाई दे रहा था। अब उसमें जो है रिसीव जो उठाया जाता है वो दिख ही नहीं रहा था, तो उसमें रिसीव मैं कर ही नहीं सक रहा था। उसमें तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट्सएप से कॉल अगर मुझे आ रहा है तो मैं उसको रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा रात में मैं एक वीडियो बना रहा था मैथ पे, तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से कैमरा जो फेल लिखा गया, कैमरे में प्रॉब्लम आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो मैं शूट करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, फिर उसको रोक देता हूँ, उसके बाद फिर से दूसरा वीडियो शूट करता हूँ। इस तरह से प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। तो आप लोग ये ना समझें कि मैं कॉल नहीं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है। अब पता नहीं, इस तरह का कई सारी समस्याएँ मैं झेल रहा हूँ और ऊपर वाले को क्या मंजूर है, परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहा है, अब वो परीक्षा लिए जा रहा है और मैं परीक्षा दिए जा रहा हूँ। और एक बच्चा है जिसने कमेंट किया था कि लास्ट वीक जो है मैंने कहा था कि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो उस बच्चे ने कहा सर ऐसा कीजिए कि आप 2-4 कार्टून वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल दीजिए। तो उसने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया, लेकिन अभी यूट्यूब में बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं, अब हर दिन क्या क्या नया नया रूल बन जा रहा है। इसमें हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट पे आप वीडियो बना रहे हैं, आप हट के दूसरा सब्जेक्ट ले आते हैं उसमें, तो फिर आपका हो सकता है कि आपका मोनेटाइजेशन जब ऑन होता है उस समय फिर ऑफ कर दे, या फिर आपका वीडियो में क्लेम आ जाएगा, फिर वीडियो जो है उस पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। इस तरह का कई सारा प्रॉब्लम आ सकता है यूट्यूब में। अभी हर दिन हर महीने जो है नया नया उसका रूल्स आ जाता है, इसीलिए जहाँ है उसी से ईमानदारी पूर्वक जो है हम लोगों को लाना पड़ेगा वॉच टाइम, और कोई उपाय नहीं है। इधर उधर करेंगे, हो सकता है इतना बड़ा चैनल आप बनाते हैं, मैं बनाया हूँ, इतने सारे वीडियो है, अचानक उसको डिमोनेटाइज कर दिया या फिर उसको पूरे चैनल को ख़त्म कर दिया, तो फिर हम लोगों के बस में नहीं कि हम लोग कुछ कर सकेंगे। जिस प्रकार से उस बच्चे ने दिमाग लगाया कि वॉच टाइम को कैसे पूरा किया जाए, तो संभव है कि इस तरह का और भी यूट्यूबर होंगे और वो भी इस तरह का दिमाग लगा सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट लेके आप अपने चैनल पर कुछ वीडियो डाल देते हैं और वॉच टाइम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने से ये मुमकिन है कि हो सकता है यूट्यूब आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ऐसा करने की गलती ना करें। मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसा हो जाए कि मेरा मोबाइल जो है वर्क करना बंद कर दे या फिर उसका कैमरा बंद काम करना बंद कर दे, अभी कैमरे में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर कैमरा काम करना बंद करता है तो दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगा, संडे वीडियो जो है वो मैं बना नहीं पाऊंगा और दूसरा मैथ का वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं मतलब बनाना बंद हो जाएगा, फिर मुझे नया मोबाइल लेना पड़ेगा तभी हो सकेगा। और अभी जैसा स्थिति है लगता नहीं कि नया मोबाइल में ले पाऊंगा। चलिए अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं। और लास्ट संडे को जो है मैंने बात किया था कि मैं ऐसे दो व्यक्ति के बारे में बतलाऊंगा, एक इंसान है और दूसरा भगवान है। तो एक इंसान भगवान जो है, एक्चुअली इन लोगों का नाम लेते ही एक फनी सा माहौल बन जाता है। और इन लोग जैसे कि इंसान जो मैं बतला रहा हूँ, तो इंसान में बाबा रामदेव हैं, जो कॉमेडी प्रोग्राम जो होता है टीवी पे होता है, तो उसमें जब जाते हैं तो इतनी ज़्यादा कॉमेडी हो जाता है कि दूसरे कॉमेडी जो कॉमेडी एक्टर्स होता है या जो कॉमेडियन होता है, जैसे राजू श्रीवास्तव हो गया, सुनील पाल हो गया, इन लोगों से ज़्यादा कॉमेडी बाबा रामदेव के पहुँचने से हो जाता है। अब सोचिए, इस तरह का आप लोग देखे होंगे कपिल शो में जब बाबा रामदेव पहुंचे थे तो इतनी ज़्यादा हंसी हुई थी। तो एक बहुत योग गुरु हैं, लेकिन वो बहुत फनिस्ट हैं, बहुत फनी हैं, और जब वहाँ पहुंचते हैं तो इतनी ज़्यादा हंसी ऑडियंस में हो जाता है, ऑडियंस इतना मज़ा लेते हैं उस प्रोग्राम का। तो इसी तरह का एक ये व्यक्ति हो गए जो सबसे ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। बाबा रामदेव का वीडियो क्लिप देखेंगे और थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, आइए चलते हैं। नारद मुनि जो है वो अपने इस तरह का कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं कि वो खुद जो है एक कॉमेडियन बन जाते हैं। इस तरह का कई बार उनके साथ हुआ है, धार्मिक कहानी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। तो ये विचार मेरे मन में क्यों आया कि मैं इस पे बात करूं, एक्चुअली क्लास 7 के हिंदी बुक में चैप्टर 8 में नारद जी का एक स्टोरी दिया हुआ है,
और उसमें काफ़ी फनी स्टोरी है। नारद जी उसमें जो है एक कॉमेडियन की तरह हो गए हैं, उन पे ये कहानी बना हुआ है। और संभवतः आप लोग सब जानते होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें नहीं पता होगा। और उस कहानी में क्या होता है कि एक बार नारद जो है वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, क्योंकि नारद हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि वही सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त हैं, क्योंकि दिन रात 24 आवर्स, यहाँ तो 24 आवर है और वहाँ पता नहीं क्या है, तो हमेशा उनका नाम जपते रहते हैं। तो उस हिसाब से तो नारद सबसे ज़्यादा ये उनका प्रिय भक्त हुए, तो इसीलिए नारद को पता था कि मेरे अलावा उनका सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त कोई नहीं है। लेकिन उनके मुख से सुने कि नहीं, एक किसान है पृथ्वी लोक में जो सबसे प्रिय है मुझे, जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद हैरान हो गए, और हैरान हुए तो बोले ठीक है, कौन है तो मैं उसका परीक्षा लूँगा। तो बतला दिए कि देख लीजिए कि वो जो है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो वो परीक्षा लेने के लिए वहाँ पहुँच गए और उनको जाकर देखें तो कर क्या रहे थे, वो घरेलू जितने भी काम था वो सारा काम निपटाने के बाद सुबह में, दोपहर में और शाम में 3 बार भगवान का नाम लेते थे। तो फिर नारद देखे और वापस आ गए, बोले क्या प्रभु, आप तो बोले थे कि बहुत बड़ा भक्त है, दिन में मात्र 3 बार नाम लेता आपका, तो ये क्या बहुत बड़ी भक्ति होगी। बोले नारद इसके बारे में तो ये छोटा सा मामला है, इसके बारे में हम लोग बाद में बाद विवाद करेंगे। एक काम कीजिए, एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, आप जो है इसको पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इस विषय पे बात करूँगा। तो उनको जो है एक पात्र देते हैं, मान लीजिए कि एक बड़ा कटोरा हो गया और उसमें पूरा तेल भरा हुआ है, एकदम पूरा तेल फुल है, उसको देते हैं और बोलते हैं कि जाइए आप जो है पूरा पृथ्वी लोक का परिक्रमण करके आइए, ध्यान रहे कि एक बूंद भी तेल इससे गिरने ना पाए। तो नारद बोले तो ये क्या बड़ी बात है, मैं तो कर लूँगा। तो फिर वो लेते हैं और पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के आते हैं और पूरा मुस्कुराते हुए आते हैं कि मैंने तो एक भी बूंद तेल नहीं गिराया। और विष्णु भगवान के पास आते हैं तो विष्णु जी पूछते हैं कि आपका जवाब जो है, वो बतलाते हैं विष्णु जी कि आपका जवाब यहीं मिल गया। बोले कैसे मिल गया, कैसे बतलाइए, जब पात्र लेके चले आपने मेरा नाम लिया। बोले नहीं, वो तो सारा ध्यान तो मेरा तेल पर लगा हुआ था कि कहीं एक बूंद गिर ना जाए। और उसके बाद जब आप घूमते हुए आए, उस दरमियान घूमने के दरमियान क्या आपने मेरा नाम लिया। बोले नहीं, तो फिर आप ये काम मैंने ही आपको दिया था, और उस काम को भी ध्यान में रखना था और नाम को भी ध्यान में रखना था। और उस व्यक्ति को देखिए जो किसान है, उसको भी मैंने ही वो काम दिया है, घरेलू जितने भी गृहस्थ का काम है वो सारा मैंने ही दिया है। उस काम को करते हुए वो 3 बार नाम लेता है, और आप उस काम को, जो काम मैंने दिया आपको, उसको करते हुए आपने 1 बार भी नाम नहीं लिया, तब बतलाइए कि आप मेरे सबसे बड़े भक्त हैं या वो हैं। तो फिर नारद जी शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर मान लेते हैं कि जो विष्णु भगवान कह रहे हैं वही सत्य है। तो इस तरह का तो हम लोग नारद का कुछ वीडियो क्लिप्स देखेंगे। देखा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो क्लिप्स देखकर बहुत मजा आया होगा, काफी हंसे होंगे आप लोग। और मैं बता दूं कि रामदेव बाबा, मैं उनका बहुत समर्थन करता हूं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे भी योग करना बहुत पसंद है। इतना बड़ा चीज वो दिए है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाना आपको जरूरी नहीं है, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं बिना दवाई खाए। तो यहीं पे यह वीडियो आज का समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीक जो है एक सब्जेक्ट मैंने रखा है, तो अभी सब्जेक्ट में बतलाऊंगा नहीं। और एक और चीज़ है, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ा प्लान है, मैं पिछला बार बतलाना चाह रहा था लेकिन इसको मैं बतलाऊंगा नहीं, लेकिन प्लान है मेरे पास, और उसके लिए आप लोगों का मदद की आवश्यकता पड़ेगा, और उससे हम लोग कुछ बहुत बड़ा कर सकेंगे। फिलहाल मैं इसको अभी पेंडिंग में रखता हूँ, मैं इसको उजागर नहीं करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट संडे को फिर मैं आप लोगों से एक बढ़िया टॉपिक पे मिलूंगा, और तब तक के लिए हम लोग बोलेंगे जय हिंद जय भारत।